हेलो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेंजर वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे और डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स भी पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कई फलों में विटामिन सी इतनी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जो हमारे बॉडी के लिए और स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आज मैं बात करने वाला हूँ 6 स्ट्रेंजर फ्रूट्स के बारे में जो आपने ना ही कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सेकाई ईची एप्पल। इसकी कीमत की बात करें तो ये $21 यानी ₹1400 में एक सेब मिलता है, लेकिन इतने में अपने यहाँ 14 kg सेब मिल जाएगा। इसका कास्ट अधिक होने का रीजन ये अपनी सुंदरता और शानदार क्वालिटी और वजन के कारण है। इसका वेट लगभग 1 kg का होता है और ये स्वाद में सिंपल सेब की अपेक्षा बहुत ही मीठा होता है और स्वादिष्ट होता है। ये सेकाई ईची एक जापानी कंपनी है जिसका ये स्पेशल प्रोडक्ट होता है। दूसरे नंबर पे जो आता है बुद्धाज हैंड, इसे फिंगर सिट्रॉन भी कहा जाता है। ये बुद्ध के हैंड से जैसा है जिसके कारण बुद्धाज हैंड इसका नाम रखा गया। इसका इंटरनल पार्ट मीठा होता है जबकि एक्सटर्नल पार्ट येल्लो बनाना जैसा होता है। ये हिमालय में उगता है। इसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका मेनली यूज खाना बनाने में होता है जैसे आइसक्रीम, सॉस, सलाद। ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है और स्वाद में भी ये बहुत टेस्टी होता है। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं जो है रेड बनाना। हम हमेशा येल्लो बनाना ही देखे हैं जो पहले ग्रीन कलर का होता है और बाद में पक जाने के कारण येल्लो कलर का हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है रेड बनाना भी होते हैं? ये बनाना येल्लो बनाना से बहुत अलग होता है, केवल कलर में ही नहीं बल्कि मीठापन में भी ये येल्लो से ज़्यादा मीठा होता है। बीटा कैरोटीन के कारण ये लाल होते हैं। इसमें इनफ अमाउंट में बीटा कैरोटीन एंड विटामिन सी पाया जाता है। अब हम बात करें चौथे नंबर की, तो इस पे आता है किवानो। किवानो को अफ्रीका हॉर्न मिलोन भी कहा जाता है। इसके अंदर जेली जैसा हरा हिस्सा होता है। इसके सीड्स ककंबर यानी खीरे जैसा होता है। इसका स्वाद मीठा बताया जाता है। इसके कांटेदार पार्ट भी होते हैं। इसके कांटेदार पार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। विटामिन सी के कारण स्किन खिला खिला दिखाई पड़ता है। अगर हम पाँचवें नंबर की बात करें तो इस पे आता है चाइनीज आर्टिचोक्स। ये फलों का गुच्छा होता है जिसे चाइनीज आर्टिचोक्स कहते हैं। ये इतना अजीब देखने के बाद भी उन्हें उगाना बहुत आसान होता है और इनका स्वाद नट्स जैसा होता है। चाइनीज एंड जापानीज इसका इस्तेमाल कभी कभी भोजन को सजावट में करते हैं जैसे सलाद,
के लिए करते हैं, पर ज़्यादातर इसका अचार बनाने में यूज करते हैं। ये पौधे के जड़ वाले भाग में ये चाइनीज आर्टिचोक्स पाए जाते हैं, जिसे खोद के मिट्टी में से निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे आता है ड्रैगन फ्रूट्स या पिताया। पिताया को ड्रैगन फ्रूट्स भी कहते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा इतना अजीब दिखता है कि ड्रैगन के माउथ से आग का गोला निकला हो। ये मुख्यतः एशिया के साउथ पार्ट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वियतनाम, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड में होता है। ऐसे ही मज़ेदार न्यूज़ के साथ बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।